नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी कहानी दोस्त और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मजेदार कहानी, बी थैंकफुल बबलू। एक बच्चा था जो हर समय शिकायतें किया करता था। उसका नाम था बबलू। उसके पास जरूरत की हर चीज थी, फिर भी वह शिकायत करता। जब गर्मी होती तो कहता, हे भगवान, आज तो कितनी गर्मी है। सर्दी होती तो फिर कहता, ओहो, आज तो बड़ी ठंड है। जब खाना खाता तो फिर कहता, कितना गंदा खाना है। स्कूल का काम करने लगता तो फिर बोलता, इतना काम, मेरी तो कॉपी कितनी गंदी है, मेरे पास तो ढंग की पेंसिल ही नहीं है। एक दिन उसके पिताजी ने माँ से कहा, बबलू इन चीज़ों की बिल्कुल कदर नहीं करता जो उसके पास है, क्यों ना हम उसे सभी चीज़ों की अहमियत समझाएं। माँ ने कहा, जी हाँ, कह तो आप ठीक रहे हैं, भगवान की दया से हमारे पास सब है, फिर भी बबलू को चीज़ों की कदर नहीं। पर एक बात बताइए, हम उन्हें समझाएंगे कैसे। पिताजी ने कहा, एक काम करो, बबलू की जरूरत की सारी चीजें छिपा दो। माँ ने ऐसा ही किया। रात हो गई, सभी लोग सोने चले गए, बबलू भी कमरे में रखी अपनी चारपाई पर सो गया। रात को पिताजी और माताजी ने बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया और चारपाई के पास ही रखी अलमारी के पीछे जाकर छुप गए। पिताजी ने रात को आवाज लगाई, बबलू, ओ बबलू, उठो। बबलू घबरा गया, कौन है, कौन है, ओहो, लाइट भी नहीं है, कितनी गर्मी है। माँ, कहाँ हैं आप, आवाज आई। बबलू, क्या तुमने पहचाना नहीं। बबलू डर गया, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कौन हैं। फिर आवाज आई, मैं वही जिसे तुम दिन रात शिकायत किया करते हो, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, तुम जो समझो, मैं आज ही तुमसे सब चीजें वापस ले रहा हूं जिनकी तुम शिकायत करते हो। यह बोलकर पिताजी चुप हो गए। बबलू को तो पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वह उठा तो देखा बिजली अभी भी नहीं है, नहाने गया तो देखा पानी भी नहीं है। एक ग्लास पानी से जैसे तैसे उसने मुंह धोया, स्कूल के कपड़े पहनने लगा तो देखा अलमारी में कपड़े भी नहीं है। जैसे तैसे घर के कपड़े पहने और बोला, माँ, मुझे कल आवाज़ सुनाई दी थी, सुनो ना, सुनो मेरी बात। माँ बोली, अरे बेटा, अभी तू बात मत कर, पता नहीं घर का सारा राशन कहाँ चला गया, आज तो खाना भी नहीं बनेगा, मैं क्या करूँ, बड़ी परेशान हूँ। पिताजी बोले, मैं बाहर जाकर राशन लेकर आता हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ ही चलो। काफ़ी देर इंतज़ार किया, माँ पिताजी कोई नहीं आए। बबलू सोचने लगा, स्कूल के लिए देर ही हो जाएगी, आज तो लग रहा है बिना खाना खाए ही जाना होगा। पूरा दिन बबलू भूखे पेट बहुत परेशान रहा। घर आकर उसने सोचा, मैं माँ पिताजी को सारी बात बताऊंगा। बोला, माँ, पिताजी, मुझे कल भगवान जी दिखे थे, बोले कि तुम जिन चीज़ों की शिकायतें करते हो ना, वो सब मैं तुमसे वापस ले रहा हूँ। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, परेशान ना हो, वो मैं ही था। बेटा, हमारे पास जो भी है उसके लिए हमें हमेशा शुक्रिया कहना चाहिए, बस यही सिखाने के लिए मैंने ये सब काम किया। बबलू बोला, पिताजी आप। हाँ पिताजी, मुझे समझ आ गया है कि हमारे पास होने वाली हर चीज़ के लिए हमें भगवान का शुक्रिया कहना चाहिए। आगे से मैं कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करूँगा और खूब मेहनत करूँगा। बच्चों, सोचो, अगर बबलू की ज़रूरत की हर चीज़ गुम हो जाती तो वह क्या करता। सोचो सोचो सोचो।